हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एसी एंड विंडोज एसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपसे इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे इसका आंसर देना है, कम से कम 4 से 5 आपको डिफरेंस बताना आना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस टाइप का आपको वीडियोस चाहिए। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला डिफरेंस है कि वो है एसी इज डिवाइड इंटू टू यूनिट्स, ठीक है। स्प्लिट एसी जो होता है वो टू यूनिट्स में डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से, जबकि विंडोज एसी इट हैज़ अ सिंगल यूनिट, मतलब एक ही यूनिट में आपका कंप्रेसर भी होगा, उसी में इवेपोरेटर भी होगा और सारी चीज़ें उसी में होगी, एक्सपांशन वॉल्व से लेकर सारी चीज़ें। सेकंड जो है वो है द इवेपोरेटर इज अवेलेबल इन द इनसाइड, जो इवेपोरेटर है वो आपका इनसाइड रहेगा और जो कंप्रेसर है वो आउटसाइड रहेगा। ये क्यों रहता है दोस्तों, अभी आपको आगे बताऊँगा ये क्यों रहता है, वो एक अलग से उसका एक डिफरेंस बन जाएगा। द इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर बोथ आर अवेलेबल इन सेम यूनिट। दोस्तों विंडोज एसी का अपना एडवांटेज है, स्प्लिट एसी का अपना है। अब जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना है कि हमें विंडोज एसी चाहिए या स्प्लिट एसी चाहिए। थर्ड डिफरेंस है वो है दैट इंडोर यूनिट कैन बी माउंटेड एट एनी सुटेबल लोकेशन इन द रूम एज पर द यूजर चॉइस। हम कहीं पर भी लगा सकते हैं उसको, कोई वॉल पे लगा सकते हैं हम आराम से, मतलब जहाँ भी हमें अच्छा लगे वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन विंडोज़ एसी में ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ विंडो है होगी वहीं लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कंप्रेसर भी रहता है तो कंप्रेसर हमेशा आउटसाइड रहना चाहिए। क्यों आउटसाइड रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो एसी है वो एक हीट पम्प की तरह काम करता है, मतलब कि जो आपके जो रूम की जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। तो दोस्तों अगर कंप्रेसर अंदर रहेगा तो ये कुछ हीटर जैसा काम करेगा, तो ये हीटर नहीं है, ये एसी है, ठीक है, मतलब कूलिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसे। जो फोर्थ दोस्तों, द नॉइज ऑफ द कंप्रेसर इज़ वेरी लेस इन द रूम बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ आउटसाइड द रूम। दोस्तों क्या होता है कि जो कंप्रेसर होता है स्प्लिट एसी में वो आउटसाइड रहता है, ठीक है, रूम में नहीं रहता, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है कंप्रेसर, ठीक है, रोटेट होते रहता है, नॉइज क्रिएट करेगा। तो जब कंप्रेसर ही बाहर रहेगा तो आपका जो नॉइज़ होगा वो बहुत ही कम होगा, और जबकि विंडोज़ एसी में कंप्रेसर साथ में लगा होता है, अगर सही से माउंट नहीं किया जाए इसे विंडोज़ में और थोड़ा भी वाइब्रेशन होगा तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि कंप्रेसर थोड़ा नॉइज़ क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से ये इतना भी नॉइज़ नहीं क्रिएट करता, लेकिन फिर भी स्प्लिट एसी से अगर कंपेयर किया जाए तो विंडोज़ एसी ज़्यादा नॉइज़ी होता है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। द कॉस्ट ऑफ इज़ मोर देन द विंडोज़ एयर कंडीशन। तो कॉस्ट मैंने क्या बोला दोस्तों, सबके अपने अपने फ़ायदे, विंडोज़ एसी के अपने फ़ायदे, स्प्लिट एसी के अपने फ़ायदे। तो स्प्लिट एसी जो होता है ज़्यादा कॉस्ट होता है, उसको ज़्यादा पैसा लगेगा, जबकि ये जो होता है वो कम पैसे में आपको मिल जाता है। जो नेक्स्ट है दोस्तों, द इंस्टॉलेशन ऑफ द एयर कंडीशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर मान लो अगर आपका ज़्यादा दूर है तो पाइपिंग वाइपिंग सब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, आसानी से नहीं होगा ये काम, जबकि ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिसे नहीं भी आता वो भी कर सकता है ये काम बहुत इजी, मतलब कि द इंस्टॉलेशन ऑफ द एयर कंडीशन इज़ वेरी इजी। इट कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द विंडोज़ एयर कंडीशन, जबकि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कंपेयर टू स्प्लिट एसी। तो दोस्तों सबके अपने अपने फ़ायदे, आपको समझ में आ गया कि विंडोज़ एसी क्यों लेना चाहिए या स्प्लिट एसी क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम कर लेगा। दोस्तों स्प्लिट एसी बहुत ही स्मार्ट होती है, इसको पता होता है कब कंप्रेसर, वैसे विंडोज़ एसी भी होती है, अब विंडोज़ एसी भी आ गई है, लेकिन स्प्लिट एसी आपके बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ एसी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।